ये भारतीयों के लिए भी और पहलवानों के लिए भी बड़ा दुखद है। और कुश्ती की अगर बात करते हो तो पिछले 6-7 महीने से, जनवरी के बाद से, तो कुश्ती हर जगह बदनाम हुई है, चाहे वो ट्रायल को लेके हो, चाहे शोषण का मामला हो। और अभी आके जो सस्पेंड करना है भारतीय कुश्ती संघ को, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी एशियन गेम्स है, उससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कोई पहलवान हमारा अगर क्वालिफाई भी करता है तो वो देश में, क्योंकि देश को कोटा जाता है, तो वो मान्य नहीं होगा, इसका फायदा किसी दूसरी कंट्री के पहलवान को मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि जल्दी से जल्दी इसको कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, और चुनाव जल्दी से, क्योंकि चुनाव इसका एकमात्र ऑप्शन है, तो जल्दी से जल्दी चुनाव होने चाहिए, और जिससे पहलवान भी अपने अच्छे से ट्रेनिंग करे और वो हमेशा एक सस्पेंस बना रहता है, और उससे खिलाड़ी बड़े अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं, एक घबराहट में रहते हैं वो कि हमारे साथ आगे क्या होगा। अभी आज के इस प्रकरण के, ये जो लेटर निकला उसके बाद जो पहलवान ने अभी 2 दिन, कल और परसों वर्ल्ड चैंपियन ट्रायल है, उनके मन में ये रहेगा कि अगर वर्ल्ड चैंपियन अगर तब तक कुछ सोल्यूशन नहीं निकला तो हम क्वालिफाई करते हैं तो मान्य नहीं होगा। क्या तो ये बड़ी ओलंपिक सब कुछ देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, आज ओलंपिक में भी इस पे बात कर रहा है भाई, यूट वर्ल्ड में भी वो बात करेंगे, चाहे कैसे कैसे करके, और कोशिश रहेगी कि हम इंडिया के फ्लैग के अंडर में भारत हमारे पहलवान खेले। योगी जी, बहुत महीनों से हमने देखा है कि प्रोटेस्ट से लेकर आज सस्पेंशन तक बात पहुंच गई है। कहीं ना कहीं अगर देखें तो इन हालातों के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, अब इसमें हम एक आदमी को तो किसी को भी एक कोर्ट दोषी नहीं सकते, और शोषण का मामला भी कोर्ट में है, हम उस पर भी कुछ कटाक्ष नहीं कर सकते, वो हमारी न्यायालय है, उसके उसका फैसला जो भी होगा वो सभी को हमें मानना है। पर ये कुश्ती के लिए बड़ा गलत हुआ, अभी तक इसका सोल्यूशन हो जाना चाहिए था और फेडरेशन के चुनाव हो जाने चाहिए थे। लेकिन एक सवाल आता ही है कि पहलवान दबी आवाज में कहीं ना कहीं ये कहते थे हैं बार बार कि चुनाव तब तक नहीं होने देंगे जब तक जो है क्लियर जो है पैनल ना है। वो अभी भी कहते हैं ब्रिजभूषण के पैनल को हम नहीं जाने देंगे, तो इसमें क्या देखिए, खल मिलेगा? चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, वो उससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। जिसके पास वोट हैं वो जीतता है, जिसके पास ज्यादा वोट हैं, देश का प्रधानमंत्री भी, एमपी, एमएलए सभी वोटों से चुन के आते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि ये चीज कहीं भी ठहरती है। इसके लिए तो चुनाव है, जिसके पास वोट होंगे वो जीतता है। लेकिन मैं, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आप भी काउंसिल के मेंबर हैं, और आईओए का क्या स्टैंड है, रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, क्योंकि एक तरफ मामला कोर्ट में है, दूसरी तरफ हमारे को बैन सस्पेंशन मिल गया, अब कैसे रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, अभी रास्ता ये कि बात करेंगे आईओए, बात करेगी यूडब्ल्यूडब्ल्यू में कि क्या कोई बीच का रास्ता निकले, तब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता, क्योंकि अभी तो 28 तक तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश आता है तो चुनाव होंगे, उससे पहले तो मेरे को लगता है कोई चुनाव का भी कुछ प्रक्रिया नहीं है। तो उसमें हमारा खेल मंत्रालय और आईओ आपस में कुछ बात करेंगे, उसके बाद यूडब्ल्यू में क्या बात करते हैं वो बाद की बातें हैं, वो पर वो एक दिन में चीजें क्लियर होंगी।